हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। आज मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज कुछ बातें ही हम लोग ऐसे करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। थंबनेल जो है वो कोई जस्ट मैं ऐसे ही नहीं दिया, मैं पूरा आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर, मतलब कैसे उसको करना है सब कुछ मैं बताऊँगा। लेकिन इससे पहले देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ना ऑडियंस में छटाई करना चाहता हूँ पहले ही, जो मतलब जो उसको जिसको देखना है वही देखो, मुझे नहीं चाहिए कि बाकी लोग भी देखें इसको, ठीक है। आपको अगर सच में 1 करोड़ की जगह पे 22 करोड़, चलो ठीक है 22 करोड़ तो चलो ठीक है मैं मान लिया, 10 करोड़ भी बनाना है, 9 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, डेडिकेशन होना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर भी डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, और इसको पूरा रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा एकदम। और अगर फिर भी इस वीडियो के बाद में लास्ट तक देखना वीडियो का, वीडियो मतलब के बाद में भी आपका अगर कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके बताना, मैं मेक श्योर करूँगा कि सबको मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँ। मेरा ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि इतना तो कमेंट आएगा भी नहीं, और जो भी है अगर मेरा इस वीडियो से ना एक भी बंदा सच में कर पाया उसको, तो मैं सोचूँगा ये वीडियो मेरे लिए सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो क्या मैं बताया कि आप नॉर्मल जो भी म्यूचुअल फंड करते कुछ भी उसमें आपको क्या मिलता है, जो हवा चलता है कि 5000 का SIP कर लो, आप 20 साल में 22 साल में 23 साल में करोड़पति बनोगे। इसी 5000 का SIP में मैं करोड़पति 23 साल में 22 में 23 साल पकड़ा, 23 साल में एक्चुअली करोड़पति होता है 5000 का SIP करने से। इसी 5000 से अगर मैं SIP करा 23 साल अच्छे से, मैं अगर कुछ मैं अपना थोड़ा सा मेहनत लगा, मेहनत क्या है देखो, अगर वीकली काउंट करूँ वीकली 1 घंटा चाहिए, डेली काउंट करूँ उसको अगर डेली में ब्रेक करोगे तो डेली मैक्सिमम 5 मिनट्स चाहिए एक्चुअली, फिर भी मैं वीकली 1 घंटा पकड़ा, ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट्स चाहिए, और मैं A to Z बताऊँगा, फिर भी अगर किसी को डाउट रहा तो मुझे बोलना, ठीक है। और थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं पहले बता दूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स से थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर आपको शायद समझने में थोड़ा सा गलती हो सकता है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो सामने से नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको शायद वो थोड़ा सा समझने में गलती हो सकती है। तो आप क्या करना, उसको 2 बार देखना कम से कम, या फिर 3 बार देखो, ठीक है, लेकिन इसको वीडियो को पूरा समझो, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताया जो 5000 से 23 साल में आप करोड़पति बनोगे, इस चीज़ से आप 5000 का सेम 23 साल में 22 करोड़ बना सकते हो, 22 करोड़ अगर इसमें 1 करोड़ तक बन सकता है, इसमें 22 करोड़ तक बन सकता है, ठीक है। 22 करोड़ छोरों में बोल रहा हूँ, 15 बनाओ आप, 15 छोरो 10 तो बनेगा ही बनेगा, 22 ही बनेगा, लेकिन मान लो कुछ भी हो रहा है 15 तो बनेगा, मान लो और भी ख़राब हो रहा है 10 तो बनेगा, तो 1 की जगह 10 बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, उसको आपको करना क्या है मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा, थोड़ा मैथमेटिक्स है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, तो आप ध्यान से वीडियो देखना, एक बार की जगह 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपके ऊपर है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ सीरियस पार्टिसिपेंट से देखो, बाकी लोग जा सकते हो यहाँ से रिटर्न, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले दिखाता हूँ क्या सीन है, ठीक है, एक बार इसको मैं दिखाता हूँ, रुको मैं चार्ट में मैं एक बार पहले इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा कैच है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला सीन आपको समझ रहे हो, SIP 60,000, ठीक है, SIP 60,000 मतलब 1 साल का 5000 करके 60,000 है, ठीक है, 60,000 है, रिटर्न 12% करके पकड़ा है, मेरा 12% करके पकड़ा, ठीक है, आपका तो नॉर्मल देता है, ये सब बाद में देखना, ये सब बाद में मैं बताऊँगा, रुको इसे बाद में बताऊंगा, पहले देख लो इस शीट में, नहीं पहले ये वाला शीट में देख लो, उसके बाद मैं उस शीट में जाऊंगा। 6000 करके अमाउंट रिटर्न 12%, ये एक्स्ट्रा रिटर्न क्या है, ये एक्स्ट्रा रिटर्न है आपका, जो आपने 60,000 किया ना तो उसका एक्स्ट्रा रिटर्न में क्या बोला, आप जो 5000 SIP कर रहे हो उस 5000 को आपको पहले एक लिक्विड फंड्स में रखना है, लिक्विड फंड्स में रखना है, उसमें आपको 6% दे देता है, ठीक है, 6% देता है, अगर उसको कंपाउंडिंग पकड़ोगे ना तो 7-8% हो जाता है,
इससे ज़्यादा होता है, मैं फिर भी 7-8% ही पकड़ रहा हूँ कंपाउंडिंग में। तो आपको बस एक ही चीज़ करना है, मान लो आप एस आई पी करने वाले हो, आप एस आई पी का सोच रहे हो 5,000, तो आप क्या करो, ये 5,000 रुपीज़ ना एक आप लिक्विड फंड्स में एस आई पी कर दो। नेक्स्ट महीना से आप बाद नेक्स्ट महीने से आप एस आई पी करो, लेकिन वो एस आई पी नहीं होगा, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसको कैसे करना है मैं आपको उसे डिटेल्स में बताऊँगा, वो भी आप देखना। ठीक है, तो एस आई पी मतलब वो 5,000 पहले आप एक लिक्विड फंड्स में डाल दो, वहाँ से पैसा उठा उठा के आप करो। ठीक है, और थोड़ा डिटेल्स में जाऊँगा, तो आप अगर मतलब अभी अभी नहीं जाता हूँ एक बार के लिए, फिर मैं अगर आपको कोई डाउट रहेगा आप मुझे पूछना, या फिर मैं इसको सेकेंड पार्ट बनाऊँगा अगर आपको डाउट रहा तो। 5,000 करके आप एक लिक्विड फंड्स में SIP डाल दो, उसमें 6% करके आता है, आप 6% करके कंपाउंड में 7-8% हो जाता है, बट मैं उसको डायरेक्ट ग्रोथ फंड में लगा देना, उसको वहाँ पर SIP कर दो। ठीक है, उसमें आपको कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, आप उसको वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया, तो ये 6% वहाँ से आया। ठीक है, तो उसका क्या कैच है मैं बताऊँगा आपको, टोटल इतना हुआ, आपने ना विड्रॉल 30% करना है। ठीक है, आपका जो ईयरली है, ईयरली जितना जितना डाला आपने, आपका 30% विड्रॉ करना है, 30% विड्रॉ कर देना है। ठीक है, 30% विड्रॉल करके, तो इसका 30% विड्रॉल कर दिया, तो ये 30% जो पैसा है कहाँ जाएगा, आपका लिक्विड फंड्स में, फिर से ये एक वन टाइम कर देना, लिक्विड फंड्स में ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ से उठा के आपका SIP अमाउंट बढ़ जाएगा। मान लो आपने 5,000 करके SIP कर रहे थे, तो अभी देखो नेक्स्ट साल क्या हो गया, 81,000 SIP हो गया। क्यों? क्योंकि आपका ये जो 30% विड्रॉ किया था, ये 30% यहाँ ऐड हुआ। ठीक है, 30% यहाँ ऐड हुआ, तो इसके बाद में आप 81,000 का आपका SIP हो गया। 81,000 कहाँ से आया आपका, वो 21,000 पहले का 30% से आया। ठीक है, 81,000 यहाँ से आया, तो 30% आपने विड्रॉ कर दिया, लेकिन ये 30% विड्रॉ कब करोगे, जब 12% रिटर्न मिलेगा तभी करोगे ना, तो उसका मैं कैसे बताऊंगा, इसलिए बोलो आप धीरे धीरे वीडियो देखो। ठीक है, कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये विड्रॉ कर लिया, फिर उसको उस SIP 60,000 के साथ उसको ऐड कर दिया, आपने 60,000 के साथ ऐड कर दिया। हाँ ठीक है, 60,000 के साथ ऐड कर दिया, इस नया जो विड्रॉल अमाउंट है उसको ऐड कर दिया, तो आपका SIP अमाउंट बन गया 81,000। ठीक है, 81,000 अमाउंट बन गया आपका, 81,000 मतलब 81,000 का आपका अभी SIP हो जाएगा। उसमें वो SIP नहीं है, मैं बताऊंगा क्या करना है। तो 81,000 का आपका SIP हो गया, तो ये 81,000 आप SIP कर रहे हो, उसके ऊपर फिर से आपको ये 12% रिटर्न मिल रहा है, फिर एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, फिर टोटल इतना हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये SIP अमाउंट है ना, इसका जो आपका टोटल मिल रहा है, ये प्लस ये प्लस ये तीन मिला के इतना हुआ टोटल, आपको इससे 30% उठाना है, पूरा अमाउंट में से नहीं, ये वाला तीनों का प्लस करके जो टोटल अमाउंट हुआ है, इससे आपको 30% विड्रॉ करना है फिर से, ऐसा करके कंटिन्यू नेक्स्ट साल ऐसा करके चलते रहेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, देखो इस हिसाब से देखो, आपका जो आपका 5,000 SIP फॉर 10 ईयर्स विथ 30% CAGR, जो एक एक कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, 15% से ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं 13% पकड़ा, 30% पकड़ा, फिर भी 25 लाख होता है, और इसमें 37 लाख, मोर देन 37% CAGR होता है कंपाउंडिंग। ये तो 30% कभी होगा ही नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड में डालो कभी नहीं होगा। एक्स्ट्रा 12 लाख हो रहा है 10 साल में, लेकिन ये एक्स्ट्रा 12 लाख नहीं, ज़्यादा है एक्चुअली, मैं फिर भी 12 लाख ही पकड़ा। इसी चीज़ को थोड़ा बड़े पिक्चर में देखोगे तो आप डर जाओगे। 15% CAGR में 23 साल में 5,000 का SIP करने से, 15% CAGR में 23 साल में 5,000 का SIP करने से 1 करोड़ बनेगा, 30% CAGR में 8 करोड़ बनेगा, इन दिस 12% CAGR में सेम 5,000 22 करोड़ बनेगा। इसका ओरिजिनल CAGR 37% से ऊपर होता है, आपको देखना है प्रूफ, देखो आप पूरा इसको आप देख लो, पूरा प्रूफ देख लो, पूरा 23 साल तक इसको हटा देता हूँ, देख लो पूरा 23 साल तक, मतलब ये 24वां साल 23वां साल है ये, क्योंकि ऊपर का एक काउंट हो गया, तो 23 साल में देखो आपका कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 22 करोड़ रुपए। ठीक है, 22 करोड़ रुपए आपका हो गया, आपका देखो लास्ट में जो है 4,71,80,427 रुपये का आपका SIP अमाउंट आ रहा है, आपका खुद का SIP अमाउंट 4 करोड़ के ऊपर आ रहा है। ठीक है,
तो ये ब्यूटी है इसका। तो अब इसको करना कैसे, ठीक है, इसको करना कैसे, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ इसको करना कैसे। पहले आपको क्या करना है, जो 5000 का आपको मैं बोला उसको आपको डालना है उसमें लिक्विड फंड्स में, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर 5000 होता है, ठीक है, अगर किसी का 4000 से भी ऊपर है SIP अमाउंट, तो वो डेली में आ जाना, डेली सिस्टम में आ जाना। नहीं होता है 4000 से कम है तब वो वीकली में आ जाना, डेली और वीकली में, ठीक है। डेली में जब भी निफ्टी का ETF खरीदना है आपको, डेली में जब भी रेड कैंडल बनेगा, डेली में जब भी रेड कैंडल बनेगा आपको ETF खरीदना है। उसका हिसाब आपको रखना है, कैसे हिसाब रखना है मैं बताऊंगा। रेड कैंडल में आपको खरीदना है, ग्रीन कैंडल में नहीं खरीदना है। उसको कैसे ऐड ऑन करना है वो मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ, कैसे ऐड ऑन उसको करना है। तो सैंपल मैं आपको लेके रखा है, मानो कि इस दिन एक में से पकड़ा, जस्ट ग्रीन हुआ है, तो इस दिन जीरो क्वांटिटी, ड्यू वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी ड्यू है मेरा, तो प्राइस ज़ीरो, अमाउंट ज़ीरो, ठीक है। फिर 2 तारीख को ग्रीन, मेरा ड्यू 3 क्वांटिटी हो गया, फिर से हो गया, मान लो एक दिन रेड हुआ तो 2 क्वांटिटी में लिया, यहाँ से ड्यू से एक हो गया, या फिर यहाँ पर ड्यू 2 बचा है अभी, ठीक है। फिर रेड हुआ फिर 2 लिया, एक ड्यू में एक बचा है, फिर रेड हुआ फिर 2 लिया, अभी ड्यू में 0 है, फिर रेड हुआ फिर 1 ही लिया, फिर मान लो 4-5 दिन ग्रीन 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 हुआ तो मेरा ड्यू 5 बन गया। अभी यहाँ पर ड्यू ज़्यादा बहुत हो गया ना, तो मेरे पहले रेड में मैं 3 ले लिया कि 3 ले लेता हूँ, दूसरा रेड में मैं 2 ले लिया, फिर 2 बचा है, फिर ग्रीन हुआ फिर 3 बचा है, फिर रेड हुआ फिर 2 ले लिया, थोड़ा लंबा हुआ ग्रीन ग्रीन, मेरा ड्यू ज़्यादा हो गया था बोल के मैं 3 गुना क्वांटिटी ले लिया एक दिन में, ठीक है। फिर इसमें रेड ले लिया, फिर इसमें रेड रेड में 2-2 ले लिया, इसमें ड्यू ऐसा बचा है, इसका हिसाब रखना है। तो आपको क्यों, प्राइस कितना है वो क्यों रखना है, अमाउंट कितना है वो क्यों रखना है, मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइस जितना होगा, प्राइस का जो एवरेज होगा, ऐसा करके एवरेज प्राइस निकल जाएगा आपका ना, यहाँ पर एवरेज प्राइस निकल जाएगा, एवरेज प्राइस ऐसा क्यों निकल रहा है, एवरेज प्राइस आपको निकल जाएगा 128 एवरेज आ रहा है, 00 काउंट हो गया क्या, पता नहीं। अमाउंट, अच्छा आपको उसके काम करना, अमाउंट कर देना, जो अमाउंट है, हाँ जो एवरेज 257 तो इतना नहीं होगा, अमाउंट है सम 5403 डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना अपना अपना खरीदा है, कितना क्वांटिटी खरीदा है, 22 क्वांटिटी, टोटल काउंट 22 बाई लाइक ये 5403, तो जितना आएगा वो अपना एवरेज प्राइस आ जाएगा। एवरेज प्राइस हम लोग को चाहिए, जो एवरेज कुछ भी मान लो 270 है, एवरेज प्राइस हम लोग को चाहिए, हम लोग को पूरा साल में हिसाब रखना है, 365 डेज का यही काम रहेगा हम लोग को। मैं जो बोला मेहनत है, सिंसियरिटी है, ये चाहिए सिंसियरिटी, आपको पूरा साल ये मेंटेन करना है, इसको हर महीना कैसे करके मेंटेन करो, शीट वाइज मेंटेन करो, या फिर जैसे भी मेंटेन करना है आप उसको मेंटेन करो। तो इसमें आपका आ गया, इसमें क्या करना है, आप इसको एवरेज कर लिया, मान लो पूरा साल भर में आपने एवरेज किया, मान लो 240 में या फिर जो भी है 250 में एवरेज किया, ठीक है। आपको बुक कब करना है प्रॉफिट, जो 12% का प्रॉफिट है, मतलब 12% होने के बाद बुक कब करना है, जब भी आपका एवरेज प्राइस से, जब भी मान लो आपके साल के बीच में भी हो सकता है, साल के बीच में आपका आपका एवरेज प्राइस आप काउंट कर रहे हो, मान लो इस साल नहीं हो रहा है नेक्स्ट साल, और जब भी आपका एवरेज प्राइस प्लस 12% हो जाएगा, मैं तो बोलता हूँ 15 करो, मैं बोल रहा हूँ 15% में करो, 12% मत करो, ठीक है, 15% में करो, 12% में ज़रूरत नहीं है, 15% में करो। जब भी आपका एवरेज प्राइस आपने 250 में ख़रीदा, ठीक है, ETF आप ETF में भी हिसाब रख सकते हो, निफ्टी का स्पॉट में भी आप हिसाब रख सकते हो, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 250 में आपने किया, उसका 15% पकड़ो, 15% मतलब कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 25 रुपये, और मान लो 12.5 रुपये, मतलब 37.5 रुपीज़ हो जाएगा, तो मतलब 287.5 में एवरेज प्राइस हो गया, 287.5 अगर आपका होता है एवरेज प्राइस प्लस 15%, तब आपको इसको सेल कर देना है, 30% क्वांटिटी सेल करो, जब भी एवरेज प्राइस आपका 15% आप होता है। आप बोलोगे ऐसा तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, मतलब कि ऐसा क्योंकि मार्केट ग्रीन रेड ग्रीन बना के मेरे एवरेज प्राइस हो जाएगा, आप करके देखो होगा, क्योंकि आप ग्रीन में नहीं बाय कर रहे हो, आप रेड में बाय कर रहे हो, ठीक है। तो आपका 15% आ जाएगा एक साल में आ जाएगा, क्यों आएगा उसके पीछे भी लॉजिक है। तो आपने किया, तो आपको भी क्या करना है, ठीक है, आपको जो 5000 के SIP रखे ना वहाँ पर, जो इसमें लिक्विड फंड्स में जो SIP है आपका, पैसा वहाँ पर पड़ा रहने दो, मान लो पैसा वहाँ पर पड़ा है, ठीक है, 5000 के SIP हर महीना हो रहा है, आपको तो नहीं लग रहा, मान लो ये 5 दिन तो आपको नहीं लगा था,
आप उस टाइम पे जो आपको पैसा रहेगा वो आपको सेविंग्स में रहेगा। मैं उस हिसाब में वो कर भी नहीं रहा, आपको सेविंग्स में पैसा रखने दो। मान लो मार्केट में रेड कैंडल बन रहा है, अब सेविंग्स से ट्रांसफ़र करके एड फंड करके डीमेट में, फिर उसका ETF खरीद लो, डीमेट में एड फंड कर ETF खरीद लो। फिर जो वहाँ से SIP रखा था आपने, मान लो ETF आपने खरीदा, 500 रुपये का ETF खरीदा, ठीक है, तो आपका जो SIP है वहाँ से 500 रुपीज़ विदड्रॉ कर दो। वहाँ पर 1 वीक के बाद तो आपका होता ही नहीं, 500 रुपीज़ वहाँ से विदड्रॉ कर दो, आपका सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा पैसा, हो गया। और क्योंकि आपका लिक्विड फंड्स में आपका 7 दिन के बाद, क्योंकि आपका पहले ही पहला महीना आपका ऐसे 1 महीना रख दिया आपने 5,000, तो आपका तो वहाँ पर लगेगा ही नहीं कुछ भी। 7 डेज के बाद आपका कोई विड्रॉल में कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आप उसमें ऐसा भी रखते रहो। आपको जब भी पैसा यहाँ पर लगाओगे वहाँ से सेविंग्स में डाल, सेविंग्स से ऐड करके फिर आप वहाँ से लिक्विड फंड से सेविंग्स में डाल दो, सिंपल है। वहाँ पर वो कंपाउंडिंग होते रहेगा, और आपका यहाँ पर भी आपका फंड डिमांड में पड़ा भी नहीं रहा, तो आपका दोनों तरफ से प्रॉफिट है। लेकिन मैं वो सेविंग्स से वाला प्रॉफिट तो पकड़ा भी नहीं, मैं उसको छोड़ दूँ उसको, मैं मतलब उसको ऐसे ही बोनस है वो, जितना मिलता है मिलता है। तो ऐसे करके आप इसको आराम से इतना परसेंट बना सकते हो। तो इसका क्या करना है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी डिवाइड करने से आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोग जो 15% जब निकलेगा तब बुक कर लिया, फिर नेक्स्ट में कैसे बाय करूँ, वो भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसको थोड़ा सा चार्ट में समझते हैं, ठीक है। अच्छा पहले थोड़ा सा और समझ लेते अच्छे से एक चीज़। देखो हम लोग करेंगे, मैं मंथली कैंडल लगा दिया, ठीक है, मंथली कैंडल में लगा दिया। देखो हम लोग कब कब बाय करेंगे, एक बात याद रखें, हम लोग कैसे बाय करेंगे। मार्केट मार्केट हम लोग ने मान लो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट जैसे धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे गिर रहा है, हम लोग यहाँ बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं यहाँ पर। मान लो यहाँ पर फिर से मान लो साइडवेज रहा, कुछ नहीं हुआ, फिर गिर रहा है, फिर बाय कर रहे हैं, फिर बाय कर रहे, इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर बाय कर रहे, फिर बाय कर रहे, फिर बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ पर फिर जाके हम लोग ने मान लो इस यही यहाँ कहीं पर हम लोग का प्रॉफिट बुक हो गया होगा, 15% तब तक मिल गया होगा हम लोग को, ठीक है। फिर जो ये था ये शायद हम लोग को थोड़ा सा मिस होगा, हम लोग का थोड़ा फॉर्म हुआ, लेकिन हम लोग का बहुत क्वांटिटी रहा पहले से, मान लो हम लोग 3-4 साल कर रहे, क्वांटिटी रहा तो हम लोग इतना दुख नहीं होगा। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर फिर से बाय करेंगे, फिर यहाँ पर भी जब भी गिरेगा तब भी बाय होगा, जब भी गिरेगा तब भी बाय होगा, जब भी गिरेगा तब भी बाय होगा, फिर हम लोग यहाँ के आसपास आराम से हम लोग का फिर प्रॉफिट बुक आ गया होगा। अब इसको करना कैसे, मान लो आपने, मैं एकदम सिंपल मतलब नंबर रखूँगा ताकि आप समझने में कोशिश मतलब आसानी हो। मान लो आपने 100 में आपने वो किया, ETF को ख़रीदा था, ठीक है, 100 में आपका एवरेज था, एवरेज हो रहा है, मान लो 12-13 महीने में आपका 100 का एवरेज हो गया, फिर वो बढ़ते 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 आपको जो ग्रीन बन रहा था डेली कैंडल में, जब ग्रीन बन रहा था वो बन बन के आपका 15% हो गया। 115 में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, 115 में आपने 30% विदड्रॉ कर लिया उस साल में जो आपका टोटल हुआ था, जो आपका टोटल हुआ था उस साल में आपने 15% विड्रॉल मार दिया, ठीक है, 15% आपने विड्रॉल मार दिया। 15% विड्रॉल मारने के बाद तो आपका अभी वो प्राइस चल रहा होगा 115, ठीक है, 115 चल रहा होगा। तो अभी आप नेक्स्ट कब खरीदोगे, मैं 2-3 रूल यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं 2-3 रूल यूज़ करता हूँ। मान लो 115 पहुँच गया ये, ठीक है, मैंने यहाँ पर 30% बेच दिया, तो अभी मुझे 30% प्लस वो 60,000 SIP प्लस वो 30% का जो अमाउंट आएगा वो प्लस होगा ना, 60,000 प्लस वो 30% का अमाउंट, मान लो कुछ भी आया, मान लो 30,000 आया, तो अभी 30% में 30,000 आया मान लो, तो वो 30,000 90,000 मुझे SIP करना है, तो 90,000 डिवाइड बाय मैं क्वांटिटी कर दूंगा, 90,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दूंगा ना, तो उसको मैं 90,000 डिवाइड बाय मैं क्वांटिटी कर दूँ, कितना क्वांटिटी होता है उस हिसाब से मैं अभी 90,000 पहले डिवाइड बाय तो 12 होगा, 12 में कितना होगा, कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 6-72-784, आपका ऑलमोस्ट 7,500 करीब आएगा, 7,500 करीब ना, ऑलमोस्ट नहीं 7,500 ही आएगा आपका, 7,500 आपका मंथली आ जाएगा। तो 7,500 डिवाइड बाय आपका अमाउंट मारना, जो Nifty 20 का अमाउंट चलेगा उसका मारना है, मान लो 270 मारना है। तो अब उसको थोड़ा सा आपको उसको जेन्यूनली फॉलो करना अच्छे से, तो जो आता है वो क्वांटिटी आपको टोटल महीना में ख़रीदना है, तो वो ज़बरदस्ती नहीं खरीदना, लेकिन वो आपको एक एवरेज रखना है, एक्सचेंज मेंटेन करना है ना आपको, उस हिसाब से आपको जब मार्केट गिरेगा तब ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो आप, तो ऐसा टाइप का आपका उसको मेंटेन करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मैं बोला मेहनत थोड़ी
होना चाहिए। एक बार आप एक्सेल शीट बना ले, सब कुछ बना ले, उसके बाद डेली बस इनपुट डाल दो, हो जाएगा काम। बोला ना डेली डेली आपका 5 मिनट चाहिए, और हफ्ते में 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा भी नहीं होता एक्चुअली, 35 मिनट होता है, फिर भी 1 घंटा पकड़ लिया। चलो आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ट वार्ट भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका हो गया। तो आपको क्या करना है अभी, 115 में आपने जो, हाँ टॉपिक से थोड़ा भटक गया था, 115 में आपने बुक कर लिया उसको, ठीक है 115 में आपने बुक कर लिया। तो आपके पास अभी, आप अभी क्या करोगे, अभी नेक्स्ट आप कब डालोगे, आपके पास तो लिक्विड फंड में पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, 30% वहाँ डाल दिया आपने, वहाँ से आपको अभी SIP भी चल रहा है वहाँ पर, तो वहाँ से पैसा तो डालना है ना आपको यहाँ पर, तो कैसे करना है। 115 से आपने 115 पे आपने सेल किया ETF को, या फिर निफ्टी, आपने निफ्टी में मान लिया, निफ्टी में 20,000 में आपने सेल किया था, ठीक है निफ्टी में 20,000 में आपने सेल किया, जब निफ्टी 20,000 और ये इक्वल है, मान लो ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो मैं दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ इसे, जैसे ताकि आपको भी आसानी हो, आप दोनों को में से किसी को भी ट्रैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 115 से ये मान लो 2% भाग गया, मैं सोच रहा हूँ 117 ही है, 117 ही 2% पकड़ता हूँ मैं, एकदम जस्ट जेन्युइन 2% भागा, तो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर भी 117 ही पकड़ा, 117 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, पता है 2% भाग गया, तो ये अभी जब 2% गिरेगा, 117 हो गया, 2% जब गिरेगा तब आप फिर उसको बाय करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। 117 हो गया, फिर 115 आया, तभी आप बाय करोगे, 117 से 2% गिरा तब बाय करोगे, ठीक है। मान लो ये गिरा ही नहीं, मतलब फिर भाग रहा है, 118 चला गया, फिर आप फिर भी 2% के लिए वेट करोगे, 118 चला गया, आप 2% करेक्शन के लिए वेट करोगे, नहीं तो तब तक बाय नहीं करोगे, ठीक है, तब तक बाय नहीं करोगे। 100 मान लो, 118 नहीं, मान लो 120 चला गया, 5% भाग गया, मान लो ये, मान लो 5% भाग गया, ठीक है। तब आप क्या करोगे, आप 3% करेक्शन का वेट करोगे, मतलब 117 आने के बाद ही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब पहला आपका बाइंग स्टार्ट, बाइंग पंच हो जाएगा। लेकिन आप इतना दिन तक जो है ना, आपका वो क्वांटिटी ऐड होते रहेगा, 1-1 करके, 2-2 करके, 3, जो भी आपका क्वांटिटी साइज है वो सब ऐड होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसको धीरे धीरे ज़्यादा क्वांटिटी पुट ऑन करना है धीरे धीरे करके। तो उसको आपको एक्सेल दिखा दिया एग्जांपल, वो आपकी श्रद्धा से करो, आप कैसे वो क्वांटिटी कैसे आप मैनेज करते हो वो आपके हिसाब से देखो, थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि मैं तो बता दें अभी सब मुझे पता नहीं ना आप कितना पैसा लगाओगे, क्या लगाओगे, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 5% भागने के बाद 3% का आपका वेट करना है, ठीक है, 3% का आपका वेट करना है, 3% करेक्शन का वेट करना है। 117 आया, फिर आप उसको बाय करना स्टार्ट करते, क्योंकि 120 से 103% 117 पकड़ लो, तो तब आपको बाइंग स्टार्ट करना है। मान लो ये 5% से 7% भाग गया, मतलब 122 रुपये हो गया, ठीक है, 122 हो गया, 7% भाग गया, आपको 4% का वेट करना है। ये सब लिख के रखो, मैं पूरा डेटा एकदम बैक करके लाया हूँ सब कुछ, ठीक है, 4% का वेट करना है। 115 से 7% भागा तो 4% करेक्शन का वेट करना है, 8% भागा तब भी 4% का करना है, करेक्शन का वेट करना है, ठीक है, 9% भागा तब 5% का करना है, 5% करेक्शन का वेट करना है, 10% भाग गया तब 5% करेक्शन का वेट करना है, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मतलब 115 से ये मान लो नीचे आया ही नहीं, 115 के बाद ये नीचे आया ही नहीं, आपने 115 पे सेल किया था, ये नीचे आया ही नहीं। कैसे नहीं आया, क्योंकि जब जहाँ पर आप बेचोगे 115 बेचोगे, आप उसके नीचे 2% नीचे जब आएगा तब आप नेक्स्ट बाइंग शुरू करोगे, 113 पे आप नेक्स्ट बाइंग शुरू करोगे। लेकिन ये 115 से 113 आया ही नहीं, 113 आया ही नहीं, क्योंकि आपका वो रेंज था, क्योंकि 115 पे मैंने 30% बुक कर लिया, अभी मैं 113 से ही बाइंग शुरू करूँगा, इसके अलावा मैं बाइंग शुरू नहीं करूँगा, ये मेरा फंड है ना। तो अपने 115 पे अपना 15% हो गया, तो आपने 30% बुक कर लिया, लेकिन अभी आपको 2% करेक्शन का वेट करना है, कि 113 जब आएगा तब से मैं नेक्स्ट बाइंग करूँगा, मेरा क्वांटिटी आया थोड़ी रहेगा, मेरा क्वांटिटी एक्सेल में हो रहा है, ड्यू में मैं डाल रहा हूँ, ड्यू में जब होगा मैं धीरे धीरे पुट करता रहूँगा, कैसे मैनेज करना वो मैनेज करूँगा, लेकिन आपको 2% का वेट करना नहीं आया, 2% नहीं आया कि 117 चला गया, तब आप फिर से 2% का वेट कर रहे हो, मान लो 115 तक आने के लिए वेट करो, लेकिन नहीं आ रहा है, फिर चला गया मान लो 118 पे, 3% आ गया, फिर आप 2% का वेट कर रहे हो, ठीक है,
116 के लिए वेट करो आप, 116 के लिए आप वेट करो, लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आपका चला गया 4%, चला गया 119 रुपये, चला गया। आप अभी 3% करेक्शन का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप 3% करेक्शन 116 के लिए आप फिर से वेट कर रहे हो, लेकिन नहीं आ रहा है। 120 चला गया, हाँ 5% हो गया, 5% हो गया। अभी आप क्या कर रहे हो, 5% जब हो गया तब आप क्या वेट कर रहे हो, तब आप वेट करो 117 के लिए वेट करो, सॉरी 5% 117 के लिए वेट कर रहे हो। 6% हो गया, 117 के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है 6% हो गया, तभी आप 3% का वेट करो, 3% गिरेगा तब खरीदूंगा। 7% हो गया, 122 हो गया, आप 4% का वेट कर रहे हो, 118 कब आएगा, 4% करेक्शन कब होगा, मतलब ये आ ही नहीं रहा है, मतलब समझ रहे हो ना आप, यह मतलब यहाँ से ऐसे भाग रहा है क्योंकि ये करेक्शन दे ही नहीं रहा है, इतना सॉलिड वाला करेक्शन। फिर आपका 122 123 हो गया, हाँ तो ऐसे करके आपका जब जैसे जाते रहेगा तो आपका जैसे 7% में आपका 4% का हो गया, फिर 8% में आपका 4% हो गया, 8% में भी आपका 4% का हो गया, आपको 118 119 का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप जब मतलब 8 9% में आपको 5% का वेट करना है करेक्शन का, 10% में 5, और मैंने देखा 10% से ज़्यादा वो होता ही नहीं है, 10% ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं, और जहाँ भी जाएगा आपको 5% का वेट करना है, 9% एंड अबव में आपको 5% करेक्शन का वेट करना है, 9% एंड अबव में अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको 5% का मतलब वेट करना है, ठीक है। तो मेरा जैसे यहाँ पर हुआ था, मेरा यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको डेली चार्ट में बताता हूँ तो आपको पता चलेगा, मेरा इस जोन पे ऐसा हुआ था, मैंने कहीं पर ना मेरा ऑलमोस्ट, मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पर ही, यहाँ पर या इस कैंडल में शायद, हाँ इस कैंडल में शायद मेरा 15% हो गया ना, इस कैंडल में शायद 15% हो गया था, तब तो वो जो बाकी यहाँ से जो भागा ना ये, तो उसके बाद मुझे वो आपका 3% या 4% मेरा फिर से यहाँ इस कैंडल से बाइंग शुरू हुआ, फिर इस कैंडल से बाइंग शुरू हुआ है, फिर अभी मेरा धीरे धीरे इस कैंडल में बाइंग चल रहा है, अभी बाइंग चल ही रहा है मेरा। अभी सोचो मेरा कितना अच्छा एवरेज प्राइस हो रहा है, हमें हाँ इतना क्वांटिटी कम हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से ही फिर से मेरा यहाँ से ही बाइंग शुरू हुआ ना, तो क्वांटिटी इतना नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। अब मान लो यहाँ पर अभी थोड़ा और गिरा, यहाँ पर रहा तो मेरा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड ऑन, सडनली एक बाउंस देगा मेरा वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर गिरेगा फिर मैं ऐड ऑन करूँगा, समझ रहे हो अब। तो आपको वैसे करना है, आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया ए टू जेड, अभी भी आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं बताऊँगा सबको कैसे क्या करना है। आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया कहाँ से कैसे करना है, मैं कोई यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको मतलब ETF मतलब आपको यहाँ से करो वहाँ से करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको जहाँ से करना है करो। डीमैट खोलना है नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से खोल लो, बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। और अगर आपको क्या करना है, कौन सा लिक्विड फंड में लगाना, वो आपके ऊपर है, आपके उसमें मैं आपको एक बात आपको मैं एकदम मतलब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ, आप इससे जो पैसा बनाओगे ना, कोई लाइक FNO ट्रेडर भी पैसा नहीं बना सकता, FNO ट्रेडर भी यहाँ से पैसा नहीं बना सकता। आप बोलोगे तो फिर आप FNO की करते हो, तो फिर आप ट्रेडिंग की करते हो, आप ये करो, देखो आपको जॉब करते हो ना, आपको जॉब करते हो राइट, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वट एवर कुछ करते हो, वो आपका काम है, ट्रेडिंग मेरा काम है, ये जो आपको बताया ये वेल्थ क्रिएशन है, ये मैं भी करूँगा आप भी करोगे, ठीक है, ये मेरा काम है ये आपका काम है, वेल्थ क्रिएशन दोनों का काम है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एक ट्रेडर भी, ये अगर आप ये करोगे ना, एक ट्रेडर का जो आपका जो ग्राफ होता है वो इतना मतलब 1 करोड़ से उसको 22 करोड़ बनाने में उसका बहुत हालत ख़राब हो जाए, 1 करोड़ मतलब 0 टू मतलब ऐसा करके 22 करोड़ बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप इतना कंफर्टेबली वो बना लोगे, ठीक है। ये मैं भी बनाऊंगा, ये चीज़ मैं भी करूंगा, मैं भी बनाऊंगा इसको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप जो सोच रहे हो ना मेरा जॉब अच्छा नहीं है मतलब ट्रेडिंग अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ जॉब करो ठीक है, साथ में ये भी करो, तब आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपको FNO में आने की ज़रूरत नहीं है,
आपको ट्रेडिंग से थोड़ा दूर ही रहो, अगर आपको ज़्यादा नहीं आता ट्रेडिंग से ज़्यादा दूर रहो, इस ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वेल्थ क्रिएशन करो, बहुत सही है, मैं बोल रहा हूँ एकदम अच्छे से आपको समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं पूरा उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया ना, तब तो पता नहीं पाप लग जाएगा शायद आप लोगों को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, ऑब्वियसली पसंद आया होगा। कोई भी डाउट रहा तो मुझे बताना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और वीडियो मतलब समझ में नहीं रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर से देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, फिर भी नहीं आ रहा है, कमेंट करो, मैं बताऊंगा सामने से क्या कैसे है क्या नहीं है। तो अभी जाके, अभी एक बार अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैं कभी नहीं बोलता, फिर भी आज कर ही दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखना।